हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला, और आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ आया हूँ दोबारा कमला नगर। संडे का दिन है, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया क्योंकि इसको करनी है यहाँ पे शॉपिंग। तो आज हम, आप देख सकते हैं पीछे अभी बिल्ले की हट्टी है, यहाँ कुछ खा पी के आज अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा खुला एकदम रोड्स आपको मिलेंगे कमला नगर के। आपको आज कमला नगर मार्केट भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इसने क्या पिक किया है, इसकी शॉपिंग भी कराते हैं। तो कमला नगर मार्केट आ चुके हैं, नीरज मेरे साथ है। ये पीछे देखिए कितनी ज़्यादा, उस टाइम तो हम थे आउटर साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये पीछे आप पूरा का पूरा कमला नगर मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं जो शॉपिंग करने आते हैं वो हैं आपके जो पेडेस्ट्रियन पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे भैया बेच रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जैसे सरोजनी नगर मार्केट है उसी तरीके से कमला नगर मार्केट है। यहाँ पे आपको रीजनेबल रेट पे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, और स्टूडेंट एरिया है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत होती है, काफ़ी ट्रेंडी कपड़े आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं लेके चलता हूँ मार्केट में, दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देखिए अब अंदर की साइड, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये पूरी की पूरी कमला नगर मार्केट है। जैसे आप बंगलोर रोड से टर्न लेंगे आपको ये वाली स्ट्रीट दिखेगी। संडे की शाम है तो अभी जितना ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा पूरी भरती जाएगी। यहाँ गाड़ी लेके कभी मत आना, अगर आपको आना है तो आउटर साइड अपनी गाड़ी खड़ी करके तब आना यहाँ पे। यहाँ पे आपको सारे के सारे शोरूम्स जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब मिल जाएंगे। तो अगर नॉर्थ दिल्ली में आप रह रहे हैं, उसके आसपास अगर आप हैं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कमला नगर आने के लिए। अभी हमें बंगलोर रोड पे, बंगलोर रोड पे मैं आपको बता देता हूँ, बंगलोर रोड पे सबसे ज़्यादा आपको DU में स्टूडेंट्स, नॉर्थ कैंपस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपको दिखेंगे। जैसे मैंने दिखाया था अंदर पेडेस्ट्रियन पे लोग हैं, वहाँ पे वो खरीदते हैं फ्ली मार्केट के सारे कपड़े सस्ते मिलते हैं आपको। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बट बड़े बड़े शोरूम आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी जिसकी शॉपिंग कराने आए हैं उसी से पूछते हैं कि बंगलोर रोड पर आगे क्या क्या करना चाहिए। तो नीरज, बंगलोर रोड पर अगर कोई आए तो क्या करना चाहिए? यार यहाँ पर एक मोमोज की शॉप है जो बहुत मस्त है, देन आप देख लो यहाँ पे एक ये डोलमा आंटी के मोमोज की बात कर रहे हैं। देन ये जिमी है जो आप बहुत सारे आपको नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग्स मिल जाएंगे। देन प्यूमा का शोरूम है, देन US पोलो है, लिवाइस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के। खाने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैकडी, मतलब मैं तो आलू टिक्की का बहुत बड़ा दीवाना हूँ क्योंकि मैं वेज हूँ। उसके बाद KFC भी है यहाँ खाने के लिए, पहले यहाँ बरिस्ता और ये सब टाइप के कॉफ़ी शॉप्स भी थे, अब वो बंद हो गए हैं, बट काफ़ी नए नए यहाँ पे खुलते रहते हैं। तो आप अगर बंगलोर रोड पे आए तो यहाँ पे आप कभी भी बोर नहीं होंगे, काफ़ी हैपनिंग लाइफ है। दिल्ली में जितना भी फैशन एंड ट्रेंड्स चलता है आपको इस वाली गली में हमेशा, इस वाले रोड पर हमेशा दिख जाएगा। सो फाइनली कमला नगर में इतना ट्राई किया, हमको कुछ नहीं मिला है। तो नीरज क्यों नहीं मिला पहले मुझको उसका रीज़न बताओ। यार मेरे को मल्टी ब्रांड कोई शॉप चाहिए था जो यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ, कमला नगर में ज़्यादातर जैसे मैंने बताया था इट्स अ स्टूडेंट एरिया, तो यहाँ पे सेमी कैजुअल और कैजुअल ज़्यादा आपको कपड़े मिलेंगे, काफ़ी ट्रेंडी। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको दिल्ली में या इंडिया में आप फैशन हब देखना है तो आप DU में आके देख सकते हैं। बट अभी नीरज जो है उसकी हो गई है थोड़ी बहुत उम्र, अभी वो 30 के आसपास क्रॉस कर चुका है। तो नीरज तू बता भाई कैसा चाहिए थे कपड़े, कैसे नहीं? जो फॉर्मल और सेमी कैजुअल चाहिए थे, कोई उम्र नहीं हुई है ये बना रहा है। तो बेसिकली इसको चाहिए थे फॉर्मल कपड़े क्योंकि ही इज़ अ सीनियर मैनेजर इन हिज कंपनी, तो फॉर्मल पहन के जाने होते हैं। बिकॉज आई एम इनटू डिजिटल तो हम कैसे भी डाल सकते हैं, बट इन लोग को मीटिंग में जाना होता है तो सेमी कैजुअल भी काफ़ी ज़्यादा इनको, बस फ्राइडे और थर्सडे को ही अलाउड है। तो अभी एक बंटा पी के हम निकलेंगे CP में जाके ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे, गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दिया बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता है आपका कि आप संडे के दिन नॉट प्लेस में गाड़ी लेके जाएं। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल खाली है ये DU का मेट्रो स्टेशन, आप वीकडेज में कभी भी आएंगे ये पूरा भरा होगा रात के 7-8 बजे तक। तो अभी CP चल के बताते हैं इस भाई ने क्या क्या लिया एंड हमने क्या क्या शॉपिंग किया। ये फाइनली DU से हमने मेट्रो ले ली है। DU से स्पेशली मेट्रो बन के चलती है, आपको हमेशा खाली सीट मिल जाएगी, खाली पड़ी हुई है मेट्रो एकदम, आप देख सकते हैं। अब हम उतरेंगे राजीव चौक पे, तो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गया दिन, मैं सीधा राजीव चौक में ले जाके ये ब्लॉग दोबारा से शुरू करता हूँ आपको। अब मैं सीधा दिखाता हूँ राजीव चौक यानी कि नॉट प्लेस। तो फाइनली हम आ गए हैं CP में। तो नीरज अभी कहाँ चलना है? CP पूरा है LP and VH, और क्योंकि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है पूरा का पूरा CP घूमने का, तो अभी LP और VH जाएंगे। अभी B ब्लॉक से हमने एग्जिट लिया, अभी ये आप देख सकते हैं पूरा अंदर पूरा क्राउडेड,
ये पीछे देखिए पूरा क्राउडेड है आज, क्योंकि संडे की इवनिंग को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि सीपी अगर आपको ऐसे घूमने आना है तो आप वीकडेज़ में आइए, शाम को आइए, बट वीकेंड में अगर आप आने का सोचेंगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ ये मैं कहाँ मेले में आ गया हूँ। तो चलो चल के इसको शॉपिंग कराते हैं। कभी भी सीपी आए तो यहाँ बी ब्लॉक से एग्जिट करके यहाँ ज़रूर आना, यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने का काफ़ी अच्छा बैकड्रॉप मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको H&M के पीछे का भी और ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे आके इट्स अ गुड सेल्फी स्पॉट। थोड़ा सा आप लोगों को फिलर देने के लिए मैं दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हर जगह कोई ना कोई आपको दिख जाएगा मिल जाएगा। रोड देखिए पूरा का पूरा, ट्रैफिक देखिए, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं लेके आया हूँ यहाँ पे आज, बहुत ज़्यादा आज के टाइम यहाँ भीड़ है। और ये गर्मी में आलू की चाट खाने का अलग ही मज़ा है। आपने एक्सेल ली तो टाइम था कल 40 का बना था डिवाइस का। दिस इज लुकिंग बेटर, दिस इज गुड। दिस इज लुकिंग बेटर। फाइनली हो गई है शॉपिंग, फाइनली शॉपिंग हो गई है। ये आप नीरज के हाथ में देख सकते हैं कितने बैग्स हैं भाई, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच बैग्स के अंदर कम से कम हर बैग में 2 से 3 कपड़े हैं इसकी। फाइनली मैंने एक क्वार्टर की शॉपिंग करा दिया, अब ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके साथ मिलूंगा तो खाने की या किसी घूमने वाली जगह की व्लॉगिंग करूंगा, कपड़ों की बिल्कुल नहीं करूंगा। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा अभी मौसम हो गया सीपी में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। टिल देन बाय।